हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तारक मेहता शो में काम करने वाले डॉक्टर हंसराज हाथी के बारे में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में और उनके जन्म के बारे में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करें उनके निधन के बारे में। तो तारक मेहता शो में काम करने वाले डॉक्टर हंसराज हाथी यानी एक्टर कवि कुमार आजाद का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु 9 जुलाई 2018 को हुई थी। उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। डॉक्टर हाथी लंबे समय से इस शो में जुड़े हुए थे। शो में उनका किरदार काफी पसंद किया जा रहा है। और हम बात करें उनके जन्म के बारे में, तो कवि कुमार आजाद का जन्म 12 मई 1972 को हुआ था। और बिहार के सासाराम के रहने वाले कवि कुमार बचपन से एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके घर वाले उनके एक्टर बनने के खिलाफ थे। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर से भाग गए। साल 2010 में कवि कुमार आजाद उर्फ डॉक्टर हाथी ने अपना 80 किलो वजन सर्जरी से कम किया था। पहले वह लगभग 200 किलो के थे। इस सर्जरी के बाद उन्हें रोजाना की जिंदगी में काफी आसानी हो गई थी। अब हम बात करें उनको तारक मेहता शो में एंट्री कैसे मिली। तो तारक मेहता में डॉक्टर हाथी का किरदार उन्हें अचानक मिल गया था। स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया। फोन में उनसे कहा कि आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। डॉक्टर हाथी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जैसे ही मैं केबिन के अंदर गया, मैं देखते ही उनको डॉक्टर हाथी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। हम बात करें उनकी फीस के बारे में, तो कवि कुमार आजाद फीस की बात करें तो वो महीने का 7 लाख से ज्यादा चार्ज करते हैं। और उनके हम रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम रोजाना की सैलरी की बात करें तो उनकी रोजाना की फीस 25,000 है। तो गाइस दोस्तों, ये थी डॉक्टर हंसराज हाथी के बारे में कुछ लाइफस्टाइल, उनके करियर के बारे में, उन्होंने एंट्री कैसे मिली, ये थी उनके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। तो गाइस, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।